हेलो भाई लोगों, तो कैसे आपके हाल चाल हैं यार। तो आज है भाई 21 अगस्त, यानी कि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, वेडनेसडे था। और आज मैंने एक ट्रेड लास्ट में ही बनाई है। लास्ट में मैंने ट्रेड क्यों बनाई है और कहां पर बनाई है, ये पूरा रीज़न मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ये जैसा आप ट्रेड लाइन देख रहे हो, ये वाली ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन पर आकर यहाँ पर मार्केट रुका आज का। ये ट्रेड लाइन कई दिन पिछले 3-4 दिन की ट्रेड लाइन है जो आज यहाँ पर मार्केट आकर रुका इस पर। तो इसके बाद यहाँ पर जाकर ये एक और ट्रेड लाइन आज मैंने बना दी थी यहाँ पर, ये आज के मार्केट की है। और इसके बाद जैसे भाई इसने ब्रेकआउट दिया इस वाली ट्रेड लाइन को, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी। और यहाँ से एंट्री बनाने के बाद अब दिक्कत क्या हो गई, मैंने जो मेरी क्वांटिटी थी वो थोड़ा कम उठा ली। मुझे यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा उठानी चाहिए थी, पर चलिए कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ लगभग 1600-1700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। पर यह जब आपके पास रीज़न परफेक्ट हो तब आपको क्वांटिटी अच्छी उठानी चाहिए। तो देखिए, ट्रेड लाइन के बल पर ही मैंने आज जो ये अपना अमाउंट बनाया है वो ट्रेड लाइन के बल पर ही बनाया है। ये आज यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री बनाई थी भाई। फिर मैंने इस कैंडल तक एंट्री बनाई क्योंकि ये कैंडल भी पिछले 2-3 दिन का जो हाई था वो टच मिल रहा था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ तक ही प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी जो एंट्री थी वो एग्ज़िट कर दी थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार बहुत तवज्जो देता हूँ मैं ट्रेड लाइन, तो ट्रेड लाइन लगाना भाई बहुत ज़रूरी है। ट्रेड लाइन लगाना सीखना आप, बस ये है ट्रेड लाइन आपको लगानी आनी चाहिए अच्छे से, और लगानी आ जाएगी यार। जैसे ही आप कोशिश करोगे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तब आपको बहुत अच्छे से लगानी आ जाएगी। ये भी आज ही की ट्रेड लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भी आज ही की ट्रेड लाइन है। हालांकि यहाँ पर मैं जब एंट्री लेने का टाइम था तब मैं एंट्री ले नहीं पाया क्योंकि मेरे कस्टमर आ गए थे। आपको पता ही है मैं एक छोटा मोटा भाई शॉप भी करता हूँ,